तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेलू ब्लॉग्स। तो आज का ये ब्लॉग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरे भाई साहब दो चार दोस्त आए हुए हैं, सिर्फ तीन दोस्त आए हुए हैं शिमला से स्पेशल घूमने के लिए। तो इनका प्लान है सूरजताल तक जाने का, मेरा कोई प्लान नहीं था। भाई लोग बोल रहे कि चलो यार, प्लान विजय भाई है, आगे हमारे पास एक राघा भाई है वाले, हेलो ब्रो, और ये मनीष भाई गाड़ी पे ध्यान देते आगे पहले करण भाई, विजय भाई, करण भाई, कुछ भी है नाम भी क्या रखा बंदे सेक्सी है बस। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली, और ये रहा सामने जोगली वाटरफॉल, अटल टनल 21 किलोमीटर, केवल मात्र 21 किलोमीटर। जबरदस्त भाई साहब, लगा मुझे कुछ, हमें लगता था कि शिमला ही जन्नत है। अच्छा, और जन्नत भाई, ये भी जन्नत है, जन्नत टू, आई थिंक ये तो लाहौल है, तो लाहौल भी जन्नत है, जन्नत है। लेकिन ये जो मनाली है, ये जो जहाँ पर हम, तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं अभी नॉर्थ होटल के और भाई लोग हमारे यहाँ पे देखे चड्डी में आए हुए हैं, रास्ते में पहले गई है, पहले और ठंड से इंतजाम किया गया है से। अभी इनको ये पता नहीं है कि रात कितनी ठंड होती है यहाँ पे और क्या रात होने वाली है। हाँ, फिर इसमें आया तू ना, देख यही तो है, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। चलो भाई लोग आगे मिलते हैं थोड़ा सा, अभी सिसु दिखाएंगे, ओके ठीक है भाई। और भाई वाटरफॉल को देख के एकदम से गच हो गए, बंदे भी गच, हम पहले से गच हैं, एकदम ग्लेशियर से निकलता पानी निकल रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी सिसु, देखिए सिसु वाटरफॉल पीछे कहाँ है, इधर है, और अपने भाई लोग नज़ारे लेते हुए हैं, जिप लाइन पे जाएंगे भाई लोग अब। हमारे विजय भाई कुछ कहना चाहते हैं भाई यहाँ पे, भाई ब्लॉग देख के बड़ा अच्छा लगा, मन तो कर रहा है, ब्लॉग देख के नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पर राका भाई बोल रहे कि नहीं जाना है, कर रहा है ना करें, राका भाई को डर लग रहा है, तो लग रहा भाई ना, तो करो भाई आ जाओ, तो फॉर्म अप तो आ गया, हमारा फाइनल हो चुका है कि हम जिप लाइन में, एक्साइटमेंट भाई यहाँ पे जरूर आना। तो भाई जिप लाइन के लिए तैयार हो रहे हम, आज तक कोई हादसा नहीं, गिर जाएगा ये, तो जिप लाइन के लिए रेडी होते हैं भाई, कमर कसते हुए बस, शेर का बच्चा है भाई, झुकेगा नहीं साला। अपने भाई लोग अब जिप लाइन का मजा लेते हुए, 3, 2, 1 go तो भाई लोग अभी हम हो गए हैं रेडी, अब रखा भाई अंकल की तो थोड़ा लग रहा है एक्साइटमेंट, थोड़ा सा 2 सेकंड की देर होती है बस।
तो लगभग 8 महीनों के बाद फिर से हम जा रहे हैं आज माइटी सिसु वाटरफॉल। अभी तो भाई जी प्लान लेके बहुत मजा आया, वर्थ है। प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना हमारे को पड़ा। भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, जो हमने बोला वही बोल देना। शिमला से आए थे भाई, शिमला से आए थे भाई, लोकल बोल देना। सोचा नहीं था कि हम जिपलाइन वगैरह ट्राई करेंगे, हाँ, लेकिन बाई चांस ही हो गया क्योंकि हमारे साथ धोखा हो गया। जब हम कुल्लू से चले तो हमने अपने 87 किलोमीटर को 87 समझ लिया और हमने सोचा कि हम वापस भी आ जाएंगे, लेकिन जब हमने सिसु को दोबारा चेक करा तो सूरजताल निकला 103, 104 किलोमीटर फिर बचा था। तो हमने सोचा कि भाई यहीं रुक लें। तो हमारा रुकने का प्लान ही आपसे केलोंग पे, अभी तांदी जाएंगे, तांदी में फिर संगम देखेंगे चंद्रा और भागा का, फिर उसके बाद फिर से देखते एक बार सिसु वाटरफॉल के कितना नज़दीक पहुँच गए हम। ये नियर बाई ग्लिम्पस है। आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ यहाँ पे क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो ये इस नाले में देखिए जो पीछे दिख रहा है आपको, ये ग्लेशियर जैसा बना हुआ जो बर्फ़ जमी हुई है वो यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे अभी साउंड काफ़ी ज़्यादा है पानी का, फ्लो का, और देखिए ग्लेशियर के बीच से निकलता हुआ। और ये सिसु वाटरफॉल सामने, और अपने भाई लोग देखिए वहाँ पहुँच गए हैं। मैं काफ़ी पीछे रह गया वीडियो बनाते बनाते। लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं अब सिसु वाटरफॉल, हाँ बिल्कुल एज पे। हो ओहो क्या ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पे फिर से आके बहुत मज़ा आ रहा है और अपने भाई देखे पीछे पूरा इंजॉय ले रहे हैं इसका। आई नो कि साउंड आ रहा होगा कि नहीं आ रहा हो मुझे मालूम नहीं, पर इस टाइम यहाँ पे आके मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मोटी गर्मी की बाबा क्या बोलते हैप्पी के वाटरफॉल, हैप्पी के हाइकिंग, जोर से सुनाई नहीं दे रहा है तो हैप्पी के वाटरफॉल। कुछ आप कहना चाहोगे भाई साहब? मेरे को तो अभी काफी देर इंजॉय करने के बाद हम वापिस चल पड़े अब उसी उतराई में, और काफी मजा आया अभी काफी टाइम के बाद अपने चिमकांडी दोस्त, ये अपने चिमकांडी दोस्त ये देखिए इनके साथ बड़ा मजा आया। सबसे खतरनाक बंदे इनमें से ये है राका भाई, नंगा ही हो गया था तो इसलिए खतरनाक है। नंगा नहीं हुआ था बस ऐसे ही, ज़्यादा गर्मी लगी थी भाई को जैसे पहले बोल रहा था कि भाई पसीना पड़ गया, मैंने कहा बीमार होएगा भैया हाय गर्मी। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पीछे बैठा गया था, हवा लगी काफ़ी ज़्यादा तेज, अब देखते दूसरा भाई यार अपना के साथ क्या होता है। मैं अटक गया था उधर बीच में। ये देखिए हमारी मैगी आ चुकी है, इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे भाई, सीधा टूट पा रहे थे मेरी तरह। क्या करें भाई साहब, पेट पहले, पेट पूजा, पेट पूजा फिर काम पूजा। काम भाई आप जो जिसकी बात आप मनाली में कर रहे थे, लोगों की गंदी सोच है भाई, हम शिमला से आए शरीफ लोग क्या बता दें, पेट पूजा फिर काम। ये इतना मजनू बन गया कसम से, इसने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही है बंदा, जिप लाइन पे भी बंदी के साथ गोल करा भाई। यार यहाँ से तो दिल्ली आना जाना है हमारा, साथ में एक नक्की करता था। पॉइंट पॉइंट पॉइंट
चढ़ाई में जब फंस जाती है गुड़ का मसाला था आप करते हो हेल्पर सेकंड हेल्पर मुझे मिलते थे ये लोग ये भी भाई मैगी खिलाते थे रास्ते में कई बार मिले मुझे मैं तो अपनी ड्यूटी करता था ये कई बार मेरे पास आए तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्रभागा रिवर के संगम पॉइंट पे। अब यहाँ से ये चिनाब बन गई है, ये चंद्रा है, ये भागा है और ये हमारा भाई है और ये हमारे भाई है। वापिस चलते मनाली यार, क्या बोल रहा? क्योंकि ऊपर ही देखो मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ऊपर देखिए बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही है। वैसे सूरजताल जाने का प्रोग्राम था, बाकी देखते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम वैसे सूरजताल जाने का था मॉर्निंग यहीं पे रुक के, अब देखते हैं क्या होता है। मुश्किल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि सवेरे के लिए आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये बहुत सोचने वाली बात है। कि करने से होगा, होगा करेंगे तो होगा यार। मौसम का कोई पता नहीं है ना उस साइड, देखो वो हाइट हाइट में बर्फ़ लगी हुई है टोटल, पीछे यहीं पे दिख रही है बर्फ पड़ती हुई दिख रही है यहीं पे। तो अब बारिश लगी हुई एक, तो क्या करिए अब ये देखते हैं। ये जो सामने दिख रहा है इसको मैं इंडिया गेट का नाम देता हूँ। यहाँ देखिए भाई इंडिया गेट लग रहा है भाई। क्या हो गया भाई, हाइट से बहुत डर लग रहा मेरे को। अच्छा पहुंच गए फिर तांदी का, फाइनली पहुंच गए फिर तांदी। व्यू है तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं तांदी। पीछे देखिए लैंडस्केप क्या मस्त दिख रहा है। तो अब अपने भाई राकेश भाई फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपने विजय भाई और नीरज भाई के, अंदर बैठे हुए थोड़ा उनको थोड़ा ठंड लग रहा है। चाय कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया हमने थोड़ा रिफ्रेशमेंट करने के लिए। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि आज यहाँ स्टे करेंगे कैंप में। हमारे एक भाई हैं रोहित भाई, रोहित भाई अगर देखते हो तो हेलो। तो उनके साले का ये कैंपिंग स्टे वगैरह है। अभी रोहित भाई हमारे साथ ही, तो उधर रुकेंगे हम। तो यहाँ से हम सवेरे सूरजताल की ओर निकलेंगे सवेरे 6-7 बजे। तब तक ये स्टोरी है बनी हुई, बाकी देखते हैं क्या बनता है। मौसम पहले बहुत ख़राब हो चुका था, हम वापस जाने की सोच रहे थे मनाली के लिए। तो भाई ने कहा नहीं, ऊपर सवेरे तक मौसम साफ हो जाता है, आजकल इसका ऐसा ही ड्रामा चला हुआ है। यहाँ देखिए बिल्कुल अभी साइड बादल है और इस तरफ को लगभग साफ हो गया है मौसम। तो मौसम की कहानी कुछ ऐसी है, बाकी चलते हैं। और मेरे को ठंड लग रही है काफ़ी, मैं देखो एक टी शर्ट एक पैंट में आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा होगा कुछ, नहीं तो मैं स्वेटर स्वेटर डाल देता कुछ। और जो पहाड़ का व्यू है भाई वो बहुत बहुत सही है, बहुत सही है।